हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम धनंजय, आप देख रहे हो सेल स्टार गेमिंग। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है आप सभी लोगों के लिए कि मैं लास्ट 1.5 मंथ से अपलोड्स नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं कुछ कामों में बहुत ज़्यादा बिजी था। एंड आगे आने वाले टाइम में मैं ट्राई करूँगा कि मैं वीकली 1 या 2 अपलोड्स करता रहूँ, जिससे कि आप सभी लोगों के साथ यानी कि ऑडियंस के साथ मेरी एंगेजमेंट बनी रहे एंड चैनल पर कंटेंट तो डलता ही रहेगा। सो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है बेस्ट गेमिंग माउस अंडर 500 रुपीज़, और साथ में गेमिंग माउस पैड की भी मैंने बात करी है। तो ये क्यों करनी पड़ी मेरे को, बिकॉज ये जो मेरा माउस है एक्समेट ज़ोरो गेमिंग माउस, इसका आपने देखा होगा ये मैंने परचेज किया था अक्टूबर 2019 में, एंड तब से अब तक ये बहुत अच्छा चल रहा है। अभी 2021 में अप्रैल स्टार्ट होने वाला है एंड बहुत अच्छा चला है माउस। बट 2-3 दिन पहले इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आने लगी, क्लिक इश्यूज़ आने लगे कि क्लिक्स रजिस्टर नहीं हो रहे थे, एंड थोड़ी बहुत आ जाती हैं ओवर द टाइम। तो उस टाइम मैंने इसे 399 रुपीज़ में ख़रीदा था एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया इसने। इसकी मैंने वीडियो डाली, उस पर ऑलमोस्ट 40,000 व्यूज़ आए, 40,000 प्लस व्यूज़ आए। सो लोगों को अच्छा लगा, लोगों ने परचेज भी किया, उन्होंने कमेंट्स में बताया कि हाँ अच्छा माउस है, अच्छा वैल्यू फॉर मनी माउस मिला है हमें ये। तो मैंने सोचा कि अगला भी जो माउस ले रहे हैं अब, तो उसकी भी बनाते हैं एक फटाफट से अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू वीडियो, जैसे कि हमने इस वाले की बनाई थी। अच्छा, बात क्या होती है कि मैं माउस पैड नहीं यूज़ करता था कभी भी, तो मेरे को लगता था यार माउस पैड चाहिए चाहिए चाहिए, क्योंकि इस पर ना कभी कभी जैसे स्मूथ सर्फेस हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो माउस में थोड़ी सी इशू आ जाते थे कभी कभी। तो उसके लिए कॉपी वगैरह रख के चला रहे हैं, बुक वगैरह रख के चला रहे हैं। बट अब फाइनली मैंने परचेज कर लिया, यहाँ पर रेड ड्रैगन का मैंने यहाँ पर कैप्रिकॉन गेमिंग माउस पैड परचेज कर लिया है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा बता रहे हैं, इसको भी देखते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग वगैरह करेंगे, मैंने खोलेंगे अभी इसको पूरा और देखेंगे कि क्या परफॉर्मेंस है, मतलब परफॉर्मेंस इसका क्या होगा, मतलब कैसी क्वालिटी है इसकी, बिल्ड क्वालिटी कैसी है और स्टिचिंग क्वालिटी कैसी है इस माउस पैड की। तो ये हमारा रेड ड्रैगन का कैप्रिकॉन गेमिंग माउस पैड, और इसी के साथ आज की हमारी इस वीडियो का जो मेन अट्रैक्शन हम जिसे कह सकते हैं वो आ चुका है, हमारा रेड गियर का A15 गेमिंग माउस जो कि मैंने परचेज किया है। अब इसकी अगर हम प्राइसिंग की बात करें, प्राइसिंग देखो कई लोग कहोगे बाद में बता दें, चल छोड़ यार पहले बताएंगे, हम सबसे पहले प्राइसिंग की बात करनी है, क्योंकि बीइंग अ बजट गेमर हम सबसे पहले बजट को ही देखते हैं। अगर बजट से आउट जा रहा है कोई भी डिवाइस तो उसे लेने का मतलब नहीं है, अपने बजट में भी अच्छा ढूंढेंगे हम, ठीक है। सो इस पे जो MRP है वो यहाँ पर हमें 800 रुपीज़ का देखने को मिलेगा। अगर आप Amazon वगैरह से इसको परचेज करते हो तो जो वहाँ पर नॉर्मल कॉस्ट मिलेगी, नॉर्मल डेज में आपको कॉस्ट मिलेगी, वो आपको मिलेगी 499 यानी कि 500 रुपीज़ मिलेगी। बट अगर आप इसको लाइटनिंग सेल में परचेज करते हो तो ये जो माउस है ये आपको 350 से लेके 400 रुपीज़ के बीच में ईजिली मिल जाएगा। सो करेंटली मेरे को ये 399 का मिला है, और नीचे इन दोनों ही प्रोडक्ट्स के मैं लिंक्स भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो अगर आप लोग लेना चाहो तो आप लोग उन लिंक से ले सकते हो। अगर इन पे जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम पे लाइटनिंग सेल हो या नॉर्मल भी हो तो 500 रुपीज़ में दिस इज़ नॉट अ बैड माउस। एंड अभी इसके हम करेंगे अनबॉक्सिंग और इसको करेंगे थोड़ा रिव्यू वगैरह, मतलब एक क्विक रिव्यू टाइप करेंगे इसका। आप फटाफट से देखो इंट्रो, मैं करता हूँ कैमरा एंगल चेंज। ओके, सो गाइस आप लोगों ने देख लिया इंट्रो और मैंने कर लिया यहाँ पर मेरा कैमरा एंगल चेंज। सो अब करेंगे फटाफट से इन दोनों ही चीज़ों की अनबॉक्सिंग और एक क्विक रिव्यू। सो सबसे पहले हम यहाँ पर खोलते हैं हमारे गेमिंग माउस के आसन को, यानी कि हमारे गेमिंग माउस पैड को। सो यहाँ पर इसके ऊपर सील लगी हुई है, अमेजोन से ही मैंने ये मंगवाया है एंड अभी तक देखा नहीं है खोल के कि कैसा है, होपफुली अच्छा हो। इसको खोलते हैं फटाफट से यहाँ से, मेरे पास आज नाइफ नहीं है जो कि जनरली होता है मेरे पास, तो इसको मैं ऐसे स्टिकर को उतारूंगा यहाँ से एंड ऊपर इसमें थोड़ा कुछ कुछ दे रखा है। ये ओपन करते हैं एंड ओपन करते ही सबसे पहले हमें दिखता है हमारे मैट जो कि रोल्ड हुआ हुआ है इसमें गेमिंग माउस पैड। और बॉक्स की बात करें तो बॉक्स बाकी खाली है और कोई कंटेंट्स नहीं है। तो बॉक्स के अगर कंटेंट्स की बात करें तो बॉक्स के कंटेंट के नाम पर इसके अंदर सिर्फ हमारा ये है माउस पैड। अच्छा, माउस पैड के अंदर भी कुछ है, एक स्टिकर सा है शायद, यस। सो इसके साथ हमें यहाँ पर मिलता है एक यहाँ पर जो रेड ड्रैगन का ब्रांडिंग स्टिकर है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है इस बॉक्स के अंदर, जो कि हमारे रोल्ड माउस पैड के अंदर आके आएगा, ठीक है। सो इसके ऊपर एक प्लास्टिक कवरिंग है, इसको भी उतार लेते हैं एक बार फटाफट से एंड देखते हैं कि क्या क्वालिटी है हमारे यहाँ पर इस माउस पैड की। तो माउस पैड की अगर मैं बात करूँ तो माउस पैड की क्वालिटी इज़ नॉट बैड, काफ़ी थिक है, मतलब कि ऑलमोस्ट 3 mm की इसकी थिकनेस है,
लेंथ एंड ब्रेथ की अगर बात करें तो 33 सेंटीमीटर यानी कि 330 mm इसकी लेंथ है, मतलब कि आई जस्ट कीप इट हियर एंड शो यू गाइस कि अगर इसकी माउस पैड की हम लेंथ की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये माउस पैड की लेंथ है ये है 33 सेंटीमीटर एंड यहाँ से यहाँ तक अगर बात करें तो दिस इज 26 सेंटीमीटर्स, तो 330 इंटू 260 mm इंटू 3 mm ऑफ हाइट। सो काफ़ी अच्छा मतलब मेरे को लगा ये माउस पैड, मतलब ठीक है अभी तो ठीक है, मतलब ऊपर से काफ़ी स्मूथ है एंड मटेरियल काफ़ी अच्छा है। कंट्रोल टाइप माउस पैड्स मैंने जितने भी देखे हैं, जो भी मतलब कंट्रोल टाइप माउस पैड्स होते हैं उनका कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि मेरे कई फ्रेंड्स के पास भी हैं, उनका इसी तरह का जो मटेरियल होता है ऊपर वो होता है। सो ठीक है, अगर कंट्रोल टाइप है इट्स बेस्ट फॉर गेमिंग एंड प्लेइंग गेम्स लाइक वैलोरेंट, अगर आपको वैलोरेंट खेलना है, CS:GO खेलना है या फिर और FPS गेम्स खेलने हैं तो इट इज़ वेरी गुड, मतलब खेलने के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर बैक की बात करूँ मैं इसकी माउस पैड के बैक की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा ग्रिप देने वाला बैक है इसका, रबर बैक है। सो जैसे कि इनकेस अगर आप गेम खेल रहे हो एंड आपको हाथ अपना बार बार मूव करना पड़ता है, माउस रख के हाथ आपको बार बार मूव करना पड़ता है, तो ये बहुत ईजिली हिलने वाला नहीं है, सरकने वाला नहीं है माउस पैड आपके टेबल के ऊपर, तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है इसका, क्योंकि अगर ये सरकेगा तो आप एम नहीं कर पाओगे सही से, खेल नहीं पाओगे सही से, बट इस केस में अगर ये सरकता नहीं है देन यू कैन ईजिली एम, आप अच्छे से खेल सकते हो और एम भी आप अच्छे से कर सकते हो। अच्छा एक बात और, इसकी जो स्टिचिंग है ये काफ़ी अच्छी है, एम्ब्रॉयडर्ड एजेस हैं इसकी, ये देखो स्टिचिंग काफ़ी अच्छी है, मतलब डबल ट्रिपल स्टिचिंग कर रखी है इसकी, ताकि कोई भी चांस ऐसा ना आए कि ये फट जाए। और जितना मैंने देखा है ये शायद से मशीन वॉशेबल भी है, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया इसको वॉश करके, बट ये अगर मशीन वॉशेबल है देन इट विल बी मच बेटर, बिकॉज गंदे हो जाती हैं, डस्ट वगैरह आ जाती हैं चीज़ों पे, एंड स्टिचिंग काफ़ी अच्छी है इसकी और बाकी सब कुछ ठीक है, मतलब इट इज़ अ गुड माउस पैड अंडर 250 rupees। सो ये जो माउस पैड है इसे अगर मैं आपको ओरिजिनल प्राइस दिखाऊँ जो इसके बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो दिस इज़ 400 rupees, इसका जो प्राइस है वो 400 rupees है। जनरली अगर आप इसको अमेजोन से परचेज करोगे तो आपको इसका 300 rupees का MRP मिलेगा, बट इन केस अगर आप किसी लाइटनिंग डील वगैरह में परचेज करते हो, जैसे कि मैंने किया है अभी इसको लाइटनिंग डील में परचेज किया, मैंने दोनों चीज़ें लाइटनिंग डील में परचेज करी हैं, तो ये माउस पैड आपको आराम से लगभग 190 का पड़ेगा, मतलब मेरे को ये 240 का पड़ा है, बट 190 टू 240 तक इसकी रेंज वेरी कर सकती है अगर आप इसे लाइटनिंग डील में परचेज करते हो। सो ये तो हो गई गाइस माउस पैड की बात, यानी कि हमारे इस माउस के आसन की बात। अब करेंगे फटाफट से हम रेडगियर A15 RGB गेमिंग माउस की अनबॉक्सिंग। सो अनबॉक्सिंग से पहले करते हैं थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर इसके बॉक्स के बारे में, बॉक्स के फ्रंट छोड़ो, सबसे पहले तो अमेजोन की पैकिंग को मैं थोड़ी सी कुछ कहना चाहूँगा कि यार पैकिंग अच्छे से किया करो गाइज, यहाँ पर कोई वो नहीं है, सील नहीं है इसके ऊपर, डिवाइस के ऊपर, ठीक है बॉक्स के ऊपर, बॉक्स थोड़ा सा डैमेज्ड है, जब पैकेज आया था तो उसमें कोई भी वो नहीं था, मतलब कि इसकी शील्डिंग नहीं थी कि कहीं भी इसको डैमेज से बचाने के लिए कोई एक्स्ट्रा पैकेजिंग वगैरह नहीं, कोई बबल रैप नहीं, कुछ भी नहीं था। सो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, मे बी सेलर जो है उनको ध्यान रखना पड़ेगा या अमेजोन को ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये उनके रिव्यूज़ में डालूंगा अभी मैं। सो देखते हैं आगे क्या करते हैं, शायद आगे से कोई ना कोई उस रिव्यू को पढ़ ले और कुछ इंप्रूव कर ले। ओके सो अगर हम बात करें बॉक्स की, तो बॉक्स के फ्रंट में हम यहाँ पर दे रखे हैं हमारे गेमिंग माउस के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स, जैसे कि अगर हम देखें सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है कि केबल लेंथ हमारी कितनी है, 1.8 meters की यहाँ पर हमारी केबल लेंथ है। साथ में हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है ब्रेडेड फाइबर केबल, उसके साथ हमें यहाँ पर LED RGB और DPI रेंज वेरिंग फ्रॉम 1000 to 6400, यानी कि 1000 से 6400 तक की रेंज यहाँ पर अलग अलग मोड्स में हम सेलेक्ट कर सकते हैं। साइड में बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी हमें ब्रांडिंग मिल जाती है A15 गेमिंग माउस की, और माउस का थोड़ा सा ओवरव्यू एक तरह से एक फोटो टाइप मिल जाती है हमें यहाँ पर, और ऊपर रेडगियर की ब्रांडिंग। दूसरी साइड पर अगर बात करें तो सेम वही ब्रांडिंग वगैरह, और यहाँ पर प्राइस वगैरह लिखे हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कैमरा फोकस करें, यस प्राइस में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 799 rupees का प्राइस यहाँ पर गिवन है, बट अगर आप इसको अमेजोन से खरीदोगे तो आपको 500 rupees में मिल सकता है, और अगर आप इसे लाइटनिंग डील में खरीदो तो 350 to 400 के बीच में आपको इजीली मिल जाएगा ये माउस। उसी के साथ अगर हम यहाँ पर बॉक्स के बैक की बात करें तो यहाँ पर हमारे माउस की फोटो बनी है, उसी के साथ हमें यहाँ पर बटन्स देखने को मिल जाते हैं कौन से, और उनकी थोड़ी सी यहाँ पर डिटेल्स बता रखी हैं, जैसे कि
राइट बटन, लेफ्ट बटन, माउस बटन, स्क्रॉल व्हील, यार ये क्यों बता रखा है? अच्छा चलो उसके बाद देखते हैं। डीपीआई बटन बता रखे हैं, डीपीआई शिफ्ट बटन्स, दो बटन्स हैं, अप एंड डाउन। डीपीआई को हम चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसके साथ हमें यहाँ पर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बटन मिल जाते हैं, जो कि हमारे थंब बटन्स हो जाते हैं माउस में, गेमिंग माउसेज में होते हैं जनरली ये। ओके, सो ये तो हो चुकी है गाइस हमारे इस बॉक्स की बात। अब करते हैं फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कोई सील वगैरह नहीं है, तो इसको हम सीधा ही खोल लेते हैं। और बॉक्स खोलते हैं, हमें दिखती है यहाँ पर एक केबल, इसको हम बाहर निकालते हैं एक बार बॉक्स को, इसको रखते हैं थोड़ा साइड में। बॉक्स में और कुछ भी नहीं है, जैसा कि हमारा माउस पैड वाला जो बॉक्स था उसमें भी कुछ नहीं था, ऐसे ही हमारे इसमें भी कुछ नहीं है। लेकिन इसमें कुछ होना चाहिए, पेपर वर्क वगैरह होना चाहिए था इसका, बट पता नहीं क्यों नहीं है। रेड गियर, आई डोंट नो व्हाट यू गाइज आर डूइंग। सो होना चाहिए था गाइज, गलत बात है। तो बॉक्स को डालते हैं ज़रा साइड में, और ये है हमारा माउस। माउस के साथ हमें यहाँ पे एक फोम की शीट देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर ये माउस रखा हुआ है। और इसको अगर हम निकालें अभी और इस फोम को थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, तो केबल की अगर मैं बात करूँ, केबल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। ब्रेडेड केबल है, आप देख सकते हो फोकस हो चुका है। यस, ब्रेडेड केबल है, यानी कि ये ब्रेडेड केबल क्या होते हैं, नॉर्मल जो हमारी केबल होती है वो होती है प्लास्टिक की केबल्स होती हैं। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है जनरली, कि वो मुड़ जाती हैं, टूट जाती हैं। अगर ऐसे मुड़ जाए ना, ऐसे ऐसे मुड़ जाए तो टूट जाती है, मतलब वो स्ट्रांग नहीं होती है। लेकिन ब्रेडेड केबल्स कंप्लीट स्ट्रांग होती है। अभी मैं इसको पूरी जान से खींच रहा हूँ, बट इसमें कुछ नहीं हो रहा। प्लास्टिक वाली अगर केबल होती तो वो खिंच जाती या फिर टूटने के चांसेस उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। सो वही है। और यहाँ पर यूएसबी इंटरफेस के साथ हमें मिलता है हमारे यहाँ पर माउस, बट ये गोल्ड प्लेटेड नहीं है। फर्स्ट ऑफ द थिंग, ये गोल्ड प्लेटेड नहीं है। बहुत सारे माउसेज में आपको गोल्ड प्लेटेड मिलेगा, बट वो थोड़ी सी हायर रेंज में जाने पर मिलेगा, यानी कि 1000 रुपीज़ तक में जाने पर मिलेगा। बट इस माउस में आपको यहाँ पर एक गोल्ड प्लेटेड यूएसबी नहीं मिलेगा। उसके बाद बात करें माउस के फिजिकल ओवरव्यू की, तो माउस का फिजिकल ओवरव्यू मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर एक हनीकॉम डिज़ाइन है, जो कि आपको ऐसे अगर पकड़ोगे तो बेटर ग्रिप के लिए मिलेगा, आपको अच्छी ग्रिप मिलेगी इस पे। उसी के साथ हमें यहाँ पर दो डीपीआई स्विचेस मिल जाते हैं, अप एंड डाउन बटन्स फॉर डीपीआई। उसके बाद यहाँ पर एक रोलर होगा और लेफ्ट एंड राइट माउस क्लिक्स। उसी के साथ ये हमारे थंब वाले बटन्स भी हैं यहाँ पर साइड में, थोड़ी सी यहाँ पर ये स्टाइलिंग के लिए थोड़े से वेंट्स टाइप बना रखे हैं, गेमिंग माउस वाली फील देने के लिए। एंड यहाँ पर भी ये ऐसे ही वेंट्स बना रखे हैं दोनों साइड्स पे। पी बैक साइड की अगर इसकी माउस की बात करूँ, तो यहाँ पर ये एक ट्रांसलूसेंट चीज़ दे रखी है, ट्रांसलूसेंट प्लास्टिक दे रखी है, जिससे कि जो हमारी एलईडी अंदर जलेंगी वो हमें बाहर तक दिख सकें। बॉटम की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो बॉटम में यहाँ पर एक मेटल प्लेट गिवन है, जिससे कि अगर हम इसे जैसे माउस पैड वगैरह पर रखे हैं तो अच्छा ट्रैक्शन मिले हमारे माउस को, और थोड़ा सा वेट भी हमारे माउस में ऐड हो जाता है इस मेटल प्लेट से। सो मेटल प्लेट पे अगर बात करें, तो बेसिकली यहाँ पर रेड गियर की ब्रांडिंग है। उसके साथ हमें यहाँ पर A15 जो हमारा गेमिंग माउस का नाम है वो देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर थोड़े लोगोज वगैरह हैं, और उसके बाद फाइनली मेड इन, छोड़ो क्या ही कहें इसको, बट लेना था यार, अभी जरूरत थी, बजट में यही आया अभी। ठीक है, सो वाइज फ्रंट पे भी आपको यहाँ पर ऊपर भी रेड गियर की थोड़ी सी ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। अब बात यह है कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, ये सब चीज़ें तो मैं बाद में देखूंगा, मतलब कि जो एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी वो तो बाद में आएगी। अभी करते हैं फटाफट से, पहले इसको ओपन करता हूँ एंड इसकी जो कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, इसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट करता हूँ, इसकी लाइटिंग वगैरह आपको दिखाता हूँ। ओके, सो केबल इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी अच्छी केबल लेंथ है इसकी। 1.8 मीटर्स इज लाइक ऑलमोस्ट 2 मीटर्स। 2 मीटर यार बहुत है, केबल लेंथ बहुत है, क्या आप संभालते संभालते पागल हो जाओगे यार, ऐसी इतनी केबल लेंथ है इसकी। ये मैंने कनेक्ट कर दिया एंड लैपटॉप के साथ कनेक्ट होते हैं, इसमें जल चुकी है यहाँ पर इंद्रधनुषीय बत्तियां, यानी कि आरजीबी एलईडी लाइट्स। तो आरजीबी का जो इसमें फील है काफी से, जैसा मैंने बताया था यहाँ पे ट्रांसलूसेंट प्लास्टिक है, जिसके थ्रू हमें यहाँ पर लाइट देखने को मिलेगी। उसी के साथ अगर यहाँ देखोगे तो हनीकॉम जो यहाँ पर डिजाइन है, इसके अंदर से भी लाइट्स आ रही हैं। उसके बाद रेड गियर के लोगों में से लाइट आ रही है, उसके बाद यहाँ से साइड से थोड़ी थोड़ी जो लाइट्स आ रही हैं बहुत ही अच्छी लग रही हैं। ये हमारे डीपीआई स्विचेज हैं, कि इनको हम यूज करके डीपीआई को स्विच कर सकते हैं। और साइड में हमारे जो बटन है, ये देखो, ये भी मैंने बताया था कि ये जो साइड में वेंट्स बना रखे हैं ये भी स्टाइलिंग के लिए हैं, ताकि एक अच्छा लुक मिले हमारे गेमिंग माउस को। तो ये तो सारी रही इसकी फिजिकल ओवरव्यूज। अब इसकी बात करते हैं, इसका एक सॉफ्टवेयर है गाइज, जो इसका सॉफ्टवेयर है उसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं फटाफट से हमारी स्क्रीन की तरफ।